राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। पद है राधे क्लेश नाशिनी भाम, राधा नाम के बहुत से अर्थ हैं। एक तो राध संसिद्धो धातु से राधा नाम बनता है, एक राध हिंसायाम, जीव के क्लेशों का नाश करके उनको प्रेम देती हैं। एक राध आराधने आराधना करना, एक राधाने धा धारणे धातु से, इस समय राध हिंसायाम धातु से जो राधा नाम बनता है जीव के क्लेशों का नाश करती हैं। राधे राधे क्लेशनाशिनी भाम, जय जय श्री गौरांगी राधे। राधे क्लेशनाशिनी भाम, जय श्री गौरांगी राधे। राधे क्लेश नाशिनी भाव, 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 जय श्री।
ऐसो प्रेम दियो ब्रज बालन, ऐसो प्रेम दियो ब्रज बालन। ऐसो प्रेम दियो ब्रज बालन, पकारी नचाए नंद के लालन, पकारी नचाए नंद के लालन। पकारी नचाए ब्रज के नंद के लालन, पकारी नचाए नंद के लालन। राधे प्रेम दायिनी बा जय श्री गौरांगी राधे, राधे राधिका 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 पद पद डायरी पद राधिका 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 Radhika, 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 Ladini, 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 Radhe Klesh Nashini Bham Jai Shri Gaurangi Radhe
श्री जी ने प्रेम दान दिया, यही कारण है कि कृष्ण कठपुतली की तरह नाचे। सोचो 100 करोड़ जहां गोपियां हैं, और वहां लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, जबकि नारी विष्णु माया प्रकट, जहां स्त्रियां होती हैं वहां अवश्य लड़ाई होती है। सगे भाई हैं, ब्याह हुआ, देवरानी जेठानी आई और घर बंटवारा हुआ, स्त्रियां क्रूरा दुर्मर्शा, श्रीमद् भागवत में लिखा है। विश्रम्भम घातयंत प्रतिम भ्रातरम इत्युतो, विश्वास प्राप्त पति को भी भाई को भी मार डालती हैं। जहां अनंत गोपियां हैं एक स्वर में गा रही हैं, एक स्वर में एक ताल में नाच रही हैं, जहां 10 लड़कियां होती हैं वहां कीर्तन की लीडरी के लिए लड़ाई होती है। जहां प्रेम है, एकता है, वहां कृष्ण है। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित, उद्गायति क्वचिन मुग्धस तत्वशः दारु यंत्रवत। गोपियां लालच देती हैं, छाछ ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर नाच छाछ पे नाच नचायो। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत, स्तोभित माने लालच दिए भे कृष्ण नाच रहे हैं। भगवान बालवत क्वचित, कौन है ये भगवान है नाच रहा है। उद्गायति क्वचिन मुग्धः, और गोपियां कहती हैं कान्हा गा, तो गाते हैं। दारु यंत्र कठपुतली की तरह, भगवान कठपुतली बन गया। क्योंकि सारी गोपियां प्रेममयी थी, ये कलयुग रूपिणी नहीं थी जो लड़ाई करें, झगड़ा करें, कलह करें। देखो ये हम तुमको क्यों बता रहे हैं, तुम्हारे बीच में भी भगवान आए। और हम तुम जान नहीं पाए, क्यों आए?
क्योंकि यहां कलह नहीं है, सैकड़ों लड़कियां हैं, सैकड़ों लड़के हैं, न कलह है, न मतभेद है, न फूट है, एक साथ सब नाचते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। ऐसो प्रेम दियो ब्रज बालन, ऐसो प्रेम दियो ब्रज बालन, पकरी नचाए नंद के लालन, पकरी नचाए नंद के लालन, नंद के लालन, नंद के लालन, नंद के लालन। क्यों राधे प्रेमदायिनी बा, जय श्री गौरांगी राधे राधे, राधा रानी प्रेम दान करती हैं। जिस समाज में प्रेम है, कलह नहीं है, वहां राधा रानी हैं, वहां कृष्ण हैं। इसका उदाहरण और देखो, जब गोपियां ढूंढ रही थी कृष्ण को, रास में जब चले गए, तो लताओं से वृक्षों से पूछ रही थी और बोली, इधर से कृष्ण गए हैं। बोले क्यों, यहां के पेड़ झुके हैं, भगवान को प्रणाम किया है उन्होंने, जिधर से जाते हैं राधा माधव। बाहुन प्रियांशु बधाय गृहीत पद्मो रामानुजस तुलसिकालिकलैर मदांधये अन्वीयमान इह वह स्तरवह प्रणामम। हे वृक्षो, तुमने प्रणाम किया है, अन्वीयमान इह वस्तर वह प्रणायम प्रणाम, तुम्हारी ओर देखते भय गए हैं। और बोली, पृच्छतेमा लता बाहून, इधर से गए हैं श्याम सुंदर, इन लताओं से पूछो, ये पेड़ों से लिपट रही हैं प्रेम में। पृच्छते मा लता बाहून अप्याश्लिष्टा वनस्पते नूनम तत्कर्जस्पृष्टा विप्रत्युत्पलकान्य हो। इनको श्याम ने छुआ है, इनमें फूल है ऊपर से नीचे तक, ये आलिंगन करते हैं वृक्षों का, इनमें इतना प्रेम है। जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, वहां राधा है।
एक पद अभी हम देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, मिला नहीं। श्री कृष्ण चले गए ब्रज से, तो गोपियों ने कहा कि आप प्राण धारण मत नहीं करो, प्राण छोड़ दो। हाँ देखो इसमें निकालो, हाँ ठीक है, अब या तन ही राख कह की जय। देखो श्री जी कैसे संभालती हैं, प्रेम देती हैं। अब या तन ही राख कह की जय। गोपियों ने कहा अब यहां कृष्ण नहीं है तो शरीर छोड़ दो। कै गिरिए गिर चढ़ के सजनी, चलो। हाँ मिल गया। सुनरी सखी श्याम सुंदर बिन बाट विषम विष पीजे, चलो जहर पी लेंगे। कै गिरिए गिर चढ़ी सुनी सजनी, शीश शंकर ही दीजे, अथवा सिर अपने हाथ से काट करके जैसे रावण ने शंकर को चढ़ाया था, हम लोग भी चलो चढ़ा देंगे। तीसरी बोली कै दहिए दारुण दावानल, दावानल में चलो जल जाएंगी। चौथी बोली जाए जमुन धस लीजिए, नहीं नहीं चलो जमुना जी में कूद पे आत्महत्या कर लेंगी। दूसरा वियोग विरह माधो के, दिन ही छीजे, दिन रात वियोग में शरीर जलेगा, इससे एक अच्छा एक साथ मर जाएं। ये सब सुनकर के श्री जी बोली सूर श्याम प्रीतम बिन राधे। राधे माने राधा रानी बोली अरे मरो मत, सोच सोच जी जी जय, तुम मरोगी श्याम सुंदर को दुख होगा। इसलिए सोच सोच करके जीवन बिताओ, इसी को प्रेम कहते हैं। ऐसा प्रेम हो तो अवश्य श्री कृष्ण आते हैं। राधे प्रेम दायिनी बाम, जय जय गौरांगी राधे राधे, प्रेम दायिनी बाम, जय जय श्री गौरांगी राधे। राधिका 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 राधिका
हम क्यों सुना रहे हैं? तुम्हारे बीच में भी श्री जी आई हैं और श्याम सुंदर आए हैं, हम लोग जान नहीं पाए। देखो एक घटना और सुनाएं जिससे तुमको पता पड़ेगा कि हाँ यहां आए थे कृष्ण, आए थे श्री जी, आई थी। जब अमृत सरोवर में अमृत सरोवर बन रहा था तो गुरु अर्जुन देव जी ये उस समय गुरु थे और सरोवर खोदने का काम चल रहा था। वहां आज भी कार सेवा में सब सिख इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े से बड़े काम थोड़ी देर में कर लेते हैं। ये प्रेम का उदाहरण है। सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे हरि मंदिर के निर्माण के समय। एक साथ जब सब मिलके काम करते हैं, एक साथ प्रेम, एक साथ बोलना, तो वहां श्याम सुंदर आते हैं। वहां उनके बीच में ग्रंथ साहब में लिखा है, कंधे कसी टोकरी सिर धारे एबिधि बनियो मजूर मुरारे। अर्जुन देव जी ने कहा, अरे ये जो मजूर आया है ये सवेरे से आता है, गारा ईंट ढोता है, खुदाई करता है, न बीच में पानी पीता है न भोजन करता है, और जब मजदूरी के समय सब मजदूर आते हैं अपना मजदूरी लेने तो लेता नहीं है, चला जाता है और कहता है इकट्ठा रखो मैं पीछे ले लूंगा। हल्ला मच गया। एक मजदूर है वो काम करता है कुछ लेता नहीं है, बड़ा सुंदर है, और काम ऐसे करता है बिजली की तरह। अर्जुन देव जी देखने गए और देखा अलबेला मजदूर है, अकेले मट्टी भेर भरता है, फेंकता है, और उसकी छाया कहीं नहीं पड़ती है शरीर की। वो समझ गए देवता आते हैं तो उनके शरीर की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती। लिखा है वहां गुरु अर्जुन दिख विस्मय पायो, यह मजूर नौतन है आयो, या के तन छाया नहीं परे,
ये भगवंत और नहीं न रहे, ये तो भगवान है, ये मनुष्य नहीं है। तब भगवंत की स्तुति गाए, स्तुति करने लग गए और आंख खोला तो देखा मजदूर गायब। फिर वो काम करने नहीं आया। ये घटना जब ये हरि मंदिर साहब बन रहा था तब की है और ग्रंथ साहब में लिखी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, 80 लाख का प्रोजेक्ट था देव सरोवर का, और तुम लोगों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, जिन्होंने कभी फावड़ा नहीं चलाया, सब एक साथ जाते, एक साथ काम करते, एक साथ लौटते, कभी किसी की लड़ाई नहीं भाई। वो ज्यादा काम करता है, वो कम करता है, बहुत जल्दी वो सरोवर बन गया जो कि लक्ष्मी जी ने बनाया था राधा रानी के लिए, आज तक बन नहीं पाया। और छोटे छोटे बच्चों ने, लड़कियों ने ऐसा प्रेम और एकता से काम किया कि थोड़े दिन में बन गया। और जब आखिरी दिन हम कह के आए थे कि आज तुम लोग काम पूरा कर लेना, उसकी रिकॉर्डिंग है, कल तुमको नहीं आना पड़ेगा, हमारे मुंह से निकला था, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। रात के 12 एक बजे तक काम चला। और जब दूसरे दिन काम खत्म हुआ तो सब की वीडियो फिल्म बनी है, सब बातें सही हैं, और तुरंत पानी भर गया। ये बात दिखा रही है कि बीच में श्याम सुंदर आए, श्री जी आई और हम लोग जान नहीं पाए। दूसरा उदाहरण, पीरी पोखर हजारों साल से गंदा पड़ा था, और कई महीने तक तुम लोगों ने काम किया। इसी के पीछे सवेरे का सत्संग हमने बंद कर दिया था। आखिर में वो बना अस्वच्छ हुआ। आज भी हम चर्चा कर रहे थे दोपहर को, यात्रा की लकड़ियां आई हैं, पिछले साल 1 लाख रुपए की लकड़ियां आई, भीतर नहीं रखी गई, बहुत सी चोरी चली गई। अब आई हैं, वहां पड़ी हैं, तो हमने चर्चा किया था इससे माधुरी से कि भाई
बहुत दिन काम किया इन लड़कियों ने, अब यात्रा की तैयारी है। हम तो नहीं कहेंगे, अगर सब लग पड़े तो उसको भीतर डाल दें। जैसे कि चोरी नहीं होगी, यात्रा हमारी गरीब लोगों की है, उसे में गुजर करनी है हमको। हमने इसे ये नहीं कहा कि तुम जा कर के बुलाओ, ये गई नीचे और तुम लोगों से चर्चा किया और सब पहुंच गई ऊपर। ये बात देख करके हमें आश्चर्य हुआ, लोग काम से जी चुराते हैं और तुम्हारी भाव शक्ति, तुम्हारी एकता, तुम्हारा प्रेम ये दिखाता है। ऐसा जो सत्संग चल रहा है ब्रज में कहीं नहीं, न वृंदावन, न मथुरा, न गोवर्धन, न गोकुल, न महाबन, ये इसीलिए चल रहा है, एकता है, प्रेम है। इसके माने यहां श्री जी हैं। आज तक किसी से मांगना नहीं पड़ा हमको, एक एक लहंगे 6,000-6,000 रुपए के हैं। ये कौन कर रहा है? राधे कृष्णाशिनी भाम जय श्री गौरांगी राधे 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 राधे। हे दयामयी 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 हे कृपामयी 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 हे कृपामयी। करुणामयी करुणा करो करुणामयी करुणा करो करुणामयी करुणा करो करुणामयी करुणा करो। राधे क्लेश नाशिनी भा जय श्री गौरांगी राधे राधे
श्री राधा रानी परम शक्ति रूपा हैं। प्रेम्रासन मधुरोज्ज्वलस्य हृदयम् श्रृंगार लीला कला वैचित्रे परमावधिर भगवता उज्जैव कापीशता ईशानी च शची महासकुत सुकुतनु शक्ति स्वतंत्रापरा श्री वृंदावननाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्या मम। पराशक्ति स्वतंत्र हैं, इसका प्रमाण क्या है? सारे ब्रज में कंस के भेजे भय असुर आए, बरसाने में कोई नहीं आया। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गर्ग संहिता में ब्रजवासियों ने कहा है। ब्रजवासियों ने नंद बाबा को कहा निकाल दो, इसने हमको बुलाया नहीं था अपने लाला के नाम संस्करण में, चुपचाप इसने नाम संस्करण करा लिया, हमको बुलाया नहीं। तब ब्रजभान जी ने उनका पक्ष लिया। ये परब्रह्म है, ब्रजवासी बिगड़ गए, बोले राधा तेरी सियानी हो गई है, तू ब्याह नहीं करता है, इसको भी निकालो ब्रज से। तब उन्होंने कहा ये राधा गोलोक की ईश्वरी है, और उन्होंने जब बताया तो ब्रजवासी बोले हाँ बात सही लग रही है, क्योंकि कंस के कोई भी असुर बरसाने की ओर नहीं आए, अवश्य राधा एक शक्ति है। कंस कंस के साथी असुरन, कंस कंस के साथी असुरन, ना ना झाके बरसाने गलियन, ना झाके बरसाने गलियन, राधे राधे गौर तेज की धाम, जय श्री गौरांगी राधे राधे। राधे क्लेश नाशिनी भा, जय श्री गौरांगी राधे राधे। जिस काम में तुम लोग हाथ लगाती हो वो पूरा हो जाता है।
काफी सब लकड़ियां भीतर चली गई। अगर चाहो तो जैसे पीरी पोखर जाती थी, सवेरे उठ करके परिक्रमा को मत जाओ, एक दिन यात्रा की सेवा के लिए चाहो तो कल चली जाओ, क्योंकि वैसे भी परिक्रमा छूट जाएगी, यात्रा में जाओगी। सवेरे चली जाओ सब, और उससे फायदा यह होगा कि हम कीर्तन या कथा बंद करने वाले थे, कथा बंद नहीं करेंगे। पांच छह से आठ तक चाहो तो काम करो और फिर ऊपर कथा में आ जाओ, यहीं कब कलयुग मंगा लेंगे। नहीं जाओ तो मत जाओ। सब जग जिनकी रहे शरण में, सब जग जिनकी रहे शरण में, सारी संसार के आत्मा कृष्ण हैं। सब जग जिनकी रहे शरण में, सब जग जिनकी रहे शरण में, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुव आत्मा स्थिराधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहो स्मान संस्पृशेत। द्वारका की रानियों ने पूछा जमुना जी से कि कृष्ण ब्रज से चले गए हैं और तुम बह रही हो उसी वेग से, क्या तुमको कृष्ण का विरह नहीं है? बोले नहीं, हम राधा रानी की दासी हैं। तस्या दास्य प्रभावेण, उनकी दासता के प्रभाव से विरह हमको छू नहीं सकता है। सब जग जिनकी रहे शरण में, सब जग जिनकी रहे शरण में, वे हरि इनकी रहे शरण में, वे हरि इनकी रहे शरण में। राधे हरि रटें ये राधा नाम, जय श्री गौरांगी राधे राधे, हरि रटें ये राधा नाम, जय श्री गौरांगी राधे राधे। देश नाशनी भाव जय देश गौरांगी राधे राधे, देश नाशनी भाव जय श्री गौरांगी राधे। शरणागत उद्धार
कारिणी शरणागत शरणागत उद्धार कारिणी संकट हरणी भक्त तारिणी संकट हरणी भक्त तारिणी संकट हरणी भक्त तारिणी संकट हरणी भक्त तारिणी राधे जाको परसानो है गाँव जय श्री गौरांगी राधे राधे जाको परसानो है गाँव जय श्री गौरांगी राधे कोटि कोटि वैकुंठ से सुंदर तरसे बसने को विधि हरि हर बसने को विधि हरि हर तरसे बसने को विधि हरि हर तरसे बसने को विधि हरि हर राधे जाको वृंदावन है धाम जय श्री गौरांगी राधे 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 क्लेश नाशिनी बाम जय श्री गौरांगी राधे हे राधे क्लेश नाशिनी राधिका 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 Radhika, 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 Radhe, 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 Radhe. Radha, 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 Radhika, 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 Radhika,
अधिकार 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 राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी महारानी हमारी राधा रानी के हऊ राधा रानी के हऊ महारानी के हऊ महारानी के हऊ राधा रानी के सहारे राधा रानी के सहारे महारानी के सहारे महारानी के सहारे राधा रानी को भरोसो राधा रानी को भरोसो दया मई को भरोसो दया मई को भरोसो कृपा मई को भरोसो कृपा मई को भरोसो राधिकार अधिकार 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 राधिकार अधिकार 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 राधिकार अधिकार 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 राधिकार अधिकार 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 राधा रानी की बरसाने वारी की गैबर बनवारी की दीन बंधु गोपाल की दीनानाथ गोपाल की दयामयी सरकार की कृपामयी सरकार की करुणामयी सरकार की राधे राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो दया करो दया करो दया करो राधे दया करो राधे 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 किशोरी दया करो
हमसे दीनन कोई जग में पान दया की तनक ढरो सदा ढरी दीनन पे श्यामा या विश्वास जो मन ही करो विश्वास जो मन ही करो विषम विषय विष ज्वाल माल में विषम विषय विष ज्वाल माल में विविध ताप तापनी जुजरो नहित अवतरी जगत में दीन पालनी ही अभिचरो दास तुम्हारो आस और की हरो विमुख गति को झगरो कबहू करुणा करो गिशामा यही आसते द्वार परो यही आस बरसाने परो राधे किशोरी जया करो राधे किशोरी जया करो श्यामा लाडली दया करो की प्यारी दया करो की प्यारी दया करो भक्तों की प्यारी दया करो की प्यारी दया करो संतों की प्यारी दया करो माधव की प्यारी दया करो माधव की प्यारी बैठ जाओ। देखो भूल हमसे हो गई है, ट्रक ऐसी जगह उतरा है, नहीं तो खेत में अगर लकड़ी खलती तो जेसीबी से थोड़ी देर में हम ऊपर रखवा देते। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, सेवा सेवा से ही भगवान मिलते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत श्रुति भाखी। वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, संतों ने कहा है, रामई सेवक परम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। सुन सुरेश, इंद्र से कहा है बृहस्पति ने, अरे इंद्र तू मत भूल, भगवान के सेवकों को माया प्रयत्न करना चाहता है। भरत जी जा रहे हैं, इंद्र कहता है माया छोड़ो। तो डांटा उन्होंने इंद्र को। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, रामई सेवक परम प्यारा,
मानत सुख सेवक सेवकाई। भगवान की सेवा मत करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। यही बात भगवान ने कृष्ण ने भागवत में कहा है, मद भक्त पूजा भ्यतिका। हमारी पूजा से हजारों गुना बड़ी है भक्तों की पूजा। सेवक बैर बैर अधिकाई। अगर भक्तों से चिढ़ गया, कुढ़े चिढ़े, तो भगवान क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हमारा विचार है कि कल परिक्रमा वगैरह मत जाओ। सीधे एक ट्रक बाहर खड़ गया है, वहीं जाओ और वहां से लौट करके फिर कथा हो जाएगी। कथा छोड़ेंगे नहीं हम। ये तुम्हारे साथ बच्चे भी चले जाएंगे, साधु भी जो चाहे चले जाएं। माला करना ही कोई भजन नहीं है, सेवा करना असली भजन है। बल्लभ कुल में अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने गौ सेवा किया उनको अवश्य कृष्ण मिले। और सेवा का प्रभाव है, आज गौशाला सारे भारत में माताजी गौशाला का नाम है, सम्मान है, क्योंकि कुछ वहाँ सेवा है, अवश्य है। हम ये तो नहीं कहते कि वैसी सेवा है जो कृष्ण के साथ ग्वाल बाल करते थे। हम ये नहीं कहते कि जैसे विट्ठलनाथ गोसाई जी के समय में सेवा होती थी, वैसी सेवा तो हम नहीं कहते हैं और ना हमारे सामर्थ है। लेकिन कुछ तो है ही है, उसी के चमत्कार है कि गौशाला में कहीं मांगा नहीं गया, जांचा नहीं गया। इसलिए कोई बात नहीं, ट्रक बाहर खला गया तो कोई तुमको सेवा का अवसर मिला है। और भगवान ने कहा, यत करोषि यतश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत। तू जो कुछ करता है, यत माने जो कुछ खराब करता है वो भी मुझे अर्पण कर। सत नहीं कहा है, यत कहा है। रैदास भगत जूता काटते थे, जूता काटते में भगवान मिल गए। नामदेव जी छीपी थे, साड़ी रंगते थे, छापा लगाते थे। कबीरदास चरखा चलाते थे, सूत काटते थे, सबको भगवान मिले। जनाबाई चक्की चलाती थी, सब संतों का आटा पीसती थी। अकेली बुढ़िया और भगवान उसके साथ आटा पिसवाते थे। रात को सारी रात बैठ करके वो तो गोविंद गोविंद गाती थी और सो जाती थी, बुढ़िया थी। और सारी रात चाकी चलती थी, गोपाल जी चलाते थे। गोपियां उनके पानी भर भर के श्याम सुंदर उचाते थे। इसलिए सेवा बड़े भाव से करनी चाहिए। जय श्री राधे।